डेटा एनालिटिक्स जॉब। डेटा एनालिटिक्स जॉब क्या होता है, क्या इसकी योग्यताएं हैं, क्या सैलरी मिलती है और कितना आसान है डेटा एनालिटिक्स जॉब का, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इसमें भविष्य है। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स जॉब के बारे में। दुनिया भर में डेटा का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसके साथ ही ऐसे विशेषकों की मांग बढ़ रही है जो इसे समझ भी सके और समझा भी सके। डेटा की ज़रूरत को देखते हुए अब सांख्यिकी में पढ़ाई करने वालों को कई तरह की प्रोफाइल पर काम करने के मौके मिल रहे हैं। आंकड़ों को समझने का हुनर और इसे आसान भाषा में समझाने की खूबी करियर को नई उड़ान दे सकती है। स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी ऐसा ही एक विषय है, जैसे जैसे कंज्यूमर डेटा की मांग बढ़ रही है वैसे वैसे सांख्यिकी के जानकारों को करियर में नए मौके मिल रहे हैं। डेटा का विश्लेषण करना, इससे पॉलिसी बनाना, आर्थिक सर्वे करना, इसके विशेषकों का काम होता है। कोई भी सर्वे सांख्यिकी डेटा के बगैर संभव नहीं होता। एक सांख्यिकीविद का काम पिछले डेटा का विश्लेषण करना होता है। इसकी मदद से पॉलिसी मेकर्स नई पॉलिसी बनाते हैं। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में सांख्यिकी के जानकारों की मांग बढ़ रही है। हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि स्टैटिक्स में कहाँ कहाँ आपको मौके मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ ऑप्शन है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होती है। सांख्यिकी में करियर बनाने के लिए 12वीं में कॉमर्स या गणित होना अनिवार्य है। परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं के पास सांख्यिकी में ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर सकते हैं। कुछ संस्थानों में सीधे दाखिला मिलता है, वहीं कुछ इंस्टीट्यूट जो है ये प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन देते हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की जा सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सीआर राव एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस हैदराबाद से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होते हैं? सांख्यिकी में पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल एनालिटिक के तौर पर भी करियर बना सकते हैं। एक फाइनेंशियल एनालिटिक्स बैलेंस शीट की एनालिसिस करता है, बताते हैं कि कंपनी और क्लाइंट को कब और कहाँ निवेश करने की ज़रूरत है। कंपनी और क्लाइंट के स्टॉक और बॉन्ड की जानकारी रखते हैं और इनकी एनालिसिस करके परिमाण के आधार पर सलाह देकर फ़ायदा पहुंचाते हैं। मार्केट रिसर्चर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। एक मार्केट रिसर्चर प्रोडक्ट्स और सर्विस को लेकर इंडस्ट्रीज के रुख को समझते हैं, उसके आधार पर भविष्यवाणी करते हैं और ये मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं। कंपनियों को बताते हैं कि कंज्यूमर की ज़रूरत क्या है और क्या चलन से बाहर हो रहा है। आंकड़ों की मदद से ये जानकारी देते हैं। मार्केट से डेटा को इकट्ठा करके उसे चार्ट और रिपोर्ट के रूप में पेश करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेट क्या होते हैं? एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेट डेटा को कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। डाटा का बैकअप रखना और उसकी सिक्योरिटी पर नज़र रखना भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेट का काम होता है। इसके अलावा ये विशेषज्ञ स्टेक होल्डर का डेटा एक्सेस करने में मदद करते हैं, यह तय करते हैं कि परमिशन दी जाएगी या नहीं। डेटा को तकनीकी की मदद से बेहतर तरीके से पेश करने का भी इनका काम होता है। डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं? अगर डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो स्टैटिक्स आपके लिए एक सबसे ज़रूरी विषय साबित होगा। आंकड़ों का डेटा सेट बनाना, डेटा मॉडल तैयार करना, पैटर्न और ट्रेंड को समझना एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। एक डेटा साइंटिस्ट स्टैटिकल मॉडल को तैयार करने के साथ उसे लागू करने का काम भी करता है और यही वजह है कि डेटा साइंटिस्ट की मांग तेज़ी से बढ़ती जा रही है। डेटा साइंटिस्ट में आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास स्टैटिक्स सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आपको करियर के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ वैकेंसियाँ भी होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में इनकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है डेटा एनालिटिक और डेटा साइंटिस्ट की। तो इस प्रकार से आप यदि स्टैटिक्स विषय में रुचि रखते हैं तो आप डेटा एनालिटिक और डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हैं।